Uh, एक इफॉर्मेशन है आपके लिए डैट इज अबाउट द क्रैश कोर्स तो बच्चे अगर आपको आप किसी भी तरीके का इमोशंस फेस कर रहे हो रिगार्डिंग योर नीट प्रिपरेशन की आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जो है अप टू मार्क नहीं है कुछ कमी रह गई है ठीक है आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा है बट आपसे इजी एम भी नहीं होते है. अगर इस तरीके के कोई इमोशंस अगर आप फेस कर रहे हो तो वेदांत आपके लाया है बहुत अच्छा ऑफर एंड डैट इज़ टू द क्रैश कोर्स तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे पहले हम उसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है थीके? तो आपके इंटायर नीट सिलेबस को वन ट्वेंटी में कवर करवाया जाएगा आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो डाउट एफ

सॉरी 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 2000 नहीं इस बार तो आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है ठीक है बच्चे तो इस पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको सिर्फ 2000 नहीं आपको 4000 डिडक्शन मिलेगा और आपको मिलेगा जो कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 6000 में तो इस ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है और ये आपको ऐसा डिस्काउंट आपको फिर नहीं मिलेगा तो प्लीज़ जो है आप इनरॉल कर लो क्योंकि आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो और इनफैक्ट आपको बहुत अच्छा एनफ टाइम मिल गया है नीट के प्रिपरेशन के लिए तो आपके पास बहुत सारा टाइम अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा कर, स्कोर कर सकते हो ठीक है बच्चे तो इनरॉल नाउ लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक किवन है एंड देन कूपन कोड आपका एन पी नीट है ठीक है हेलो एवरीवन वेलकम एवरीवन इन डाउट का वाट सीरीज तो आज हम लगाने वाले एक नए डाउट का वाट और ये क्वेश्चन पूछा गया है जिप में 2014 में तो क्वेश्चन जो है आपका एक रिएक्शन है जिसमें आपको एक जेड प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है ठीक है ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है तो जल्दी से बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और आप श्योर हो अपने आंसर के साथ बच्चे अगर आप श्योर हो तो, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप श्योर नहीं हो तो मैं भी आपको बताऊंगी तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी करेक्ट है ठीक है बच्चे तो देखते हैं कैसे हुआ देखो बच्चे ये जो Na NH2 है वो क्या है बेस है ठीक है बेस है ठीक है अब देखो जब आप इसका रिएक्शन करते हो Na NH2 के साथ Na NH2 के साथ तो क्या होगा Na NH2 कैसे ब्रेक करेगा Na+ और Na NH2- में ठीक है तो ये क्या करेगा ये आपका NH2, ये आपका क्या करेगा ये ले एसिडिक कर प्रो, प्रो, प्रोटोन को करने की उसे, जो है उसे दिखेगा कहीं पे, तो वो आपका उसे कर लेगा ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का कार्बन पे गया ठीक है ये, ये क्या बन गया ये क्या बन गया इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो एन है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ठीक है ये बन गया तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है आपका एक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है एक्स प्रोडक्ट के बाद अब आप आपका जो सी एस थ्री आई के साथ ठीक है सी एस थ्री आई के साथ तो क्या होगा एस एन टू मैकेजमे आपका लिविंग ग्रुप है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ठीक है न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक किया अब क्या बन गया आपका सी एस थ्री CH3 ठीक है यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका वाई प्रोडक्ट है ठीक है वाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया अब क्या होगा ये वाई प्रोडक्ट के बनने के बाद अब ट्रीटमेंट हो रहा है इसके साथ ठीक है H2O Hg2+ एंड H+ ठीक है क्या होगा ये क्या होगा आपका इनॉल का फॉर्मेशन कर देगा ठीक है इनॉल का फॉर्मेशन कर देगा यहां पे CH3 है सॉरी यहां पे CH3 है ठीक है यहाँ पे सी एस थ्री है तो ये क्या करेगा आपका यहाँ पे जो है इनॉल का फॉर्मेशन कर देगा ठीक है बच्चे तो अब ये आपका स्टेबल नहीं होगा ये आइसोमेराइज हो जाएगा ठीक है स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा आइसोमेराइज हो जाएगा एंड फाइनली क्या होगा आपका फाइनली आपका कीटो फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा ठीक है कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये इनॉल से आपका कीटो बन जाएगा ठीक है कीटो इनॉल हो, हो, हो तो ये, ये स्टेबल नहीं था फिर वो आपका कीटो फॉर्म में चेंज हो गया ठीक है तो ये है इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर है आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई ठीक है एंड तो जेड आपका जो है वो आपका क्या है एसीटोन है ठीक है बच्चे तो सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री तो आई होप कि आपको समझ आया अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय uh, बच्चे टेक केयर मिलते हैं नए डाउट के साथ